जो घटना घटित हुआ है किसानों के परिवार के साथ बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और यहाँ के पुलिस अधीक्षक से भी बात हुई है। पुलिस की कहीं न कहीं बर्बरतापूर्ण कार्य किसानों को और ग्रामीणों को उत्तेजित किया है और उनके साथ इनका दुर्व्यवहार, इनकी दमनकारी नीति एक भय का वातावरण बनाया है। और अगर जो सरकार इस पुलिसिया जुल्म पर अंकुश नहीं लगाती है तो ये आक्रोश बढ़ेगा और फर्जी मुकदमा करके ये जो दोहन, शोषण और भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, फिर इस मामले को हम लोग सड़क से सदन तक उठाएंगे। उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए, जनून मांग है उनकी। जब भारत सरकार जो ये रेट तय करेंगे वो देने के लिए तैयार है, फिर राज्य सरकार और यहाँ के प्रशासन को गंभीरता से लेनी चाहिए। और यहाँ की प्रशासन जब इतने दिनों से आंदोलन चल रहा था तो आंखें मूंद के क्यों बैठी थी, बड़े घटने का इंतजार क्यों कर रही थी? कौन से पदाधिकारी इसके लिए दोषी और जिम्मेवार हैं, उनको चिन्हित कर कार्रवाई करनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर निकले हैं, किसानों की ये ज्वलंत समस्या का समाधान करें, निर्दोष लोग को फंसाकर पुलिसिया जुल्म बंद करें और इनको उचित मुआवजा का उसी दिन घोषणा कराएं प्रशासन को बैठा करके। और समाधान नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि ये समाज में सिर्फ व्यवधान पैदा करना चाहते हैं, समस्या को बढ़ाना चाहते हैं और प्रशासनिक अराजकता के माध्यम से बिहार की जनता को जो परेशान हो रहा है उसकी समाधान नहीं है इनके पास। फिर इस मामला को लेकर हम लोग सदन के अंदर पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को ले जाएंगे। देखिए, उम्र का प्रभाव उन पर दिखाई पड़ रहा है या कुर्सी जाने का भय उनको कहीं न कहीं हर जानकारी से अपने को अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं। नौजवानों पर, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज होता है, कहते हैं मुझे जानकारी नहीं। किसानों पर बर्बरतापूर्ण ढंग से उसके परिवार पर आधी रात में घुस करके लाठीचार्ज होता है, उसको अपमानित किया जाता है, उनको पता नहीं। मुख्यमंत्री जी, ये जवाबदेही से भागना और कहीं न कहीं आपका भय भी दिखाई पड़ रहा है और इस भय का कारण आप स्वयं हैं। आप समाधान करिए, नहीं तो जनता विदाई यात्रा तो बना ही देगी।